नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुलाम नबी आजाद को लेकर के इन दिनों चर्चाएं इतनी ज्यादा तेज है कि कभी कांग्रेस पार्टी उनके लिए बोलती हुई नजर आती है तो कभी बीजेपी और कभी खुद गुलाम नबी आजाद। लेकिन आज एक ऐसे नए चेहरे ने एंट्री ले ली है जिसके नाम की चर्चा जो है वो बीते दिन बहुत कम ज्यादा हो रही थी, लेकिन आज उस नाम ने जो है अपने पिता को लेकर के स्टैंड लिया है। जी हाँ, गुलाम नबी आजाद के बेटे सद्दाम आजाद का बड़ा बयान आया और उन्होंने अपने बयान के जरिए जो अपने पिता के लिए स्टैंड लेते हुए जो है कांग्रेस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया। कांग्रेस को लेकर के जो है कई बड़ी बातें यहां पर सद्दाम आजाद कहते हुए नजर आए, जिनमें एक एक चीज उन्होंने गिनवाई कि कैसे उन्होंने ये 50 साल जो है वो देखे हैं, कैसे उन्होंने जो है जब से उन्होंने जन्म लिया है और अभी तक अपने पिता को कांग्रेस के लिए काम करते हुए देखा है, हर एक छोटी से बड़ी बात जो है वो गिनवाते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे थे सद्दाम आजाद, सुनिए। कहीं भी काम करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अपना खून पसीना आदमी देता है, ऐसे ही नहीं मिलते किसी को पोजीशंस। कितने सारे लोग होते हैं, कांग्रेस के कितने सारे वर्कर हैं, बीजेपी के कितने सारे वर्कर हैं, हर कोई आदमी जनरल सेक्रेटरी 20-30 साल रहता है, हर कोई आदमी स्टेट जिता के दे सकता है। जिस आदमी में क्षमता होती है ये सब चीज़ें करने की, उसको वही आदमी आगे बढ़ता है। मेरे फादर को जो भी आज तक मिला है अपनी क्षमता के ऊपर मिला है, अपने काम के ऊपर मिला है। जाके पूछ लीजिए किसी को भी कांग्रेस के आदमी को ऑफ कैमरा, नाउ डेज बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस दे विल टेल यू व्हाट इज वर्थ रादर हैज बीन टू द कांग्रेस पार्टी ग्रोइंग अप। आज उनकी बुक का रिलीज है, उनकी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी, तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ। ग्रोइंग अप आई डिड नॉट सी माई फादर, महीने में एक बार देखता था। क्यों देखता था महीने में एक बार ही? क्योंकि वो कांग्रेस के काम में बिजी हो रहते थे, या तो बिहार में होते थे, या तो जम्मू कश्मीर में होते थे, या तो महाराष्ट्र में होते थे, या तो केरला में होते थे। ही इज अ मैन हुज बीन इन चार्ज ऑफ एवरी स्टेट ऑफ दिस कंट्री एंड वेयर ही रीच्ड इन हिज लाइफ इज बिकॉज ऑफ हिज वर्क। किसी ने खैरात नहीं दी, किसी ने कोई चैरिटी नहीं दी। कुछ लोग हैं आजकल कांग्रेस में जिनको चैरिटी मिल गई है तो ऐसी कुछ बातें करते हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, सीनियर है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर आई फील लाइक इट्स बेटर टू प्ले डिफेंस देन टू प्ले ऑफेंस। गुलाम नबी आजाद के बेटे की बात तो आपने सुन ली, अब जरूरी ये होता है कि खुद गुलाम नबी आजाद जो है इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, आखिरकार वो अपने बयान के जरिए किसका साथ देना चाहते हैं और किससे छुटकारा पाना चाहते हैं, बीजेपी को लेकर के और कांग्रेस को लेकर के उनके मन में क्या परिभाषा है वो समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए हम गुलाम नबी आजाद की भी एक वीडियो लेकर के आए हैं, जरा देखिए। पार्टी में भी कुछ कमियां रही हैं और मैं आशा यही करता हूं कि कांग्रेस पार्टी उन गलतियों को ठीक करे और आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी की एक हिस्ट्री रही है, फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे आगे रही है, कांग्रेस के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस बात को आज की लीडरशिप ध्यान में रखेंगे और एक नेशनल पार्टी का रोल अदा करे। हमें अफसोस होता है कि नेशनल पार्टी आज अल्टरनेट पार्टी नहीं बन सकती है। भारत के लोकतंत्र के लिए या विश्व के लोकतंत्र के लिए हमेशा अल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए। आज बीजेपी नेशनल पार्टी है, लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि दूसरी कौन सी नेशनल पार्टी है, चाहे नाम के लिए नेशनल पार्टी हो, लेकिन नेशनल का सेंस मतलब है कि हर स्टेट में उसकी प्रेजेंस हो, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हो, उसके चुने हुए नुमाइंदे हो। और लोकतंत्र को अगर ठीक करना है तो उसमें दो पार्टी सिस्टम तो मिले। गुलाम नबी आजाद को आपने सुना, उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी जगह पर आके खड़ी है, एक ऐसे मुकाम पे खड़ी है जहाँ से वो आगे बढ़ सकती है। अब आप समझिए कि एक तरफ जहाँ कांग्रेस जो है उन्हीं का मजाक उड़ा रही है, जहाँ कांग्रेस जो है उन्हीं के खिलाफ बोलबाजा कर रही है, उसके बावजूद भी गुलाम नबी आजाद इतने अच्छे बन रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अभी आगे बढ़ने की स्थिति में है, अगर वो आगे बढ़ती है तो हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होगी और कांग्रेस जो है उसको कोई झुका नहीं सकता।
आगे उनको बढ़ना चाहिए। इस तरीके की बातें जो है वो कह रहे हैं, और आप खुद समझिए कि सिर्फ और सिर्फ ये बातें जो है वो चर्चा का विषय नहीं बन रहा है, इसके अलावा भी एक बड़ी बात है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी गुलाम नबी आजाद का बयान हमने आपको इसलिए सुनाया या उनके बेटे का बयान हमने आपको इसलिए सुनाया ताकि आप समझ सके कि आखिरकार जो है दोनों के बीच में जो है क्या बातें हो रही हैं, और कांग्रेस जो है वो उनके लेकर के क्या अपने मानसिकता को इस वक्त दर्शा रही है। तो चलिए कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेताओं के बयान हम आपको सुना रहे हैं, सुनिए। वो बेवफा निकला, अफसोस महज इतना है कि उसे क्या समझा था और क्या निकला। और जो वफा लुटियंस दिल्ली के एक बंगले की मोहताज हो जाए, वो वफा किस काम की, वो कल जाती है आज जाए। जिस नजरिए के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ 50 साल से जो आदमी लड़ रहा हो, आज उसी नजरिए का ताबेदार बन जाए तो अफसोस तो सबको होता है, ना केवल हमें हो रहा है, अफसोस आज उनको भी हो रहा है जिनकी वो खिलाफत करते थे। जो हमारे नहीं हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। आज जब वो बादशाह सलामत की शान में कसीदे पढ़ते हैं तो हंसी आती। जिसको खुदा माना था हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, वो बुत मिट्टी का। कार्यकर्ता थे जिन्होंने उनको आजाद बनाए रखा, उनके उनके परचम को, उनके नाम को ऊपर उठाए रखा। और अब कुछ सालों बाद पूछेंगे उनसे, 2-3 साल बाद, कि आजाद साहब कैसे हैं, कहाँ हैं, है? और मैं समझता हूँ कि आपको यदि किसी का एहसान चुकाना भी है तो फिर उस एहसान को चुकाने के लिए आवश्यक है कि आप अपने पुराने पार्टी पर, उसके नेताओं पर जिन्होंने आपको सब कुछ दिया। सोनिया जी हमारी नेता है, राहुल गांधी जी भी हमारे नेता हैं। सोनिया जी ने क्या कुछ नहीं दिया गुलाम नबी आज़ाद साहब को। तो इसलिए आपने जो सिला उनके साथ किया है उससे आपने अपने नाम को गंदा किया। हमारे पुराने दोस्त हैं इसलिए मैं ज़्यादा कटु टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने नाम। कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं के आपने बयान सुन लिए, गुलाम नबी आजाद का बयान आपने सुना, यहाँ पर जो सद्दाम आजाद का आपने बयान सुना। सभी नेता खुल करके खुले मंच से जो अपनी बातें रख रही हैं, जनता के सामने आ रहे इन तमाम बयानों से जो है कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार जो है इस वक्त कांग्रेस और आजाद के बीच में चल क्या रहा है। वो आजाद कभी नर्म पड़ते दिखाई देते तो कांग्रेस उनके ऊपर हमलावर, कभी कांग्रेस उनके ऊपर नर्म पड़ती है तो आजाद उन पर हमलावर होते हैं, और अब तो उनके बेटे ने भी एंट्री ले ली है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार किसकी जो है, कौन यहाँ पर जिसके सामने मुश्किल ज्यादा खड़े करने वाले हैं, आखिरकार कैसे इस पूरे मामले से आजाद बाहर आएंगे और कैसे इस पूरे मामले से कांग्रेस बाहर आएगी। बहरहाल देश में इस वक्त सियासी माहौल जो है वो गर्म हो चुका है, और इस वक्त जो है चुनावी माहौल के बीच में किसकी जीत किसकी हार होगी कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल। बाय।